दोस्तों एल्स्टॉम ये फ्रांस की एक ट्रेन सेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वर्ल्ड वाइड इनकी बहुत सारी एडवांस ट्रेनें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट की जाती हैं। वहीं इस कंपनी ने भारत में भी अपना रोल बाखूबी निभाया है, जैसे कि WAG-12B लोकोमोटिव को बनाने में एल्स्टॉम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है इंडियन रेलवे के सामने, जहां पर IRCTC और मेधा इंजीनियरिंग को ऐड किया गया है। कंपनी का कहना है कि वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में मैन्युफैक्चर करना और ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां एग्जांपल के तौर पे बात करें तो TGV और V150 जैसी फास्टेस्ट ट्रेन फ्रांस के अंदर ऑपरेट की जाती हैं, जो एल्स्टॉम ही मैन्युफैक्चर करती है। और अगर मैं बात करूं हाईएस्ट ट्रेन की स्पीड के बारे में इनकी, तो ये 574.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट हो सकती हैं, और कुछ जगह पर तो इन्हें इसी स्पीड पर चालू भी किया जा चुका है। और बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट करके बोलेंगे कि जापान और चाइना जैसे देश तो 600 किलोमीटर की ट्रेन के ऊपर जा चुके हैं, तो वो ट्रेन मैग्लो ट्रेन के अंडर में आती है, लेकिन ये एक ट्रेन सेट है प्रॉपर जिसमें सिर्फ 26 किलोमीटर का अंतर है, वरना ये भी मैग्लो ट्रेन की तरह 600 किलोमीटर पर आर की स्पीड को पार कर सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि भारत के अंदर जो 151 प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट होने वाली हैं, वो प्राइवेट कंपनियाँ ही ऑपरेट करेंगी। तो यहाँ पर ये कंपनी प्रस्ताव भी रख चुकी है, शायद फ्यूचर में इन्हें मौका मिल जाए अपनी फास्टेस्ट ट्रेन को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। इसी के साथ में कंपनी का कहना है कि इंडिया के जो भी लॉन्ग रूट हैं, जो भी 1000 किलोमीटर से अप के हैं, वहां पर इन ट्रेन सेट्स को चलाना सबसे बेटर होगा। सो ये भारतीय रेलवे के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान होने वाला है। इसी के साथ में एल्स्टॉम हमेशा से भारत को फायदा पहुंचाते आई है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद रेलवेज को ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं अगर ये फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया के अंदर ऑपरेट की जाती है तो 1 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। सो ओवरऑल इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एल्स्टॉम के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री सारी चीज़ें एनालाइज करेगी, डिसीजन लेंगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि भारत के अंदर 574.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चलाई जानी चाहिए, जो बुलेट ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकती हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भारत के ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।